वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आपको एसएससी कैटेगरी में जाना है और एसएससी कैटेगरी में जाके वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप अगर मेरी मेंटरशिप में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको RK11 कोड का यूज़ करना है। इस कोड को यूज करने से एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरी मेंटरशिप में मेरे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। इस वक्त एक थियरी का बैच चल रहा है, तो अगर आप राजस्थान जेई के लिए या फिर लखनऊ मेट्रो के लिए या फिर DMRC के लिए या UPSL जेई के लिए किसी भी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पुरानी सारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगी और जितने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने टाइम तक कोई भी बैच आएगा तो हर बैच की वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका वो आप देख सकते हो। फ़ीस अभी 1 ईयर की 6500 है और 2 ईयर की फ़ीस है 7800। इस फीस में आपको डिस्काउंट भी मिलता है RK11 कोड लगाने के बाद 10% का, और आपके पास अगर कुछ क्वाइंस हैं कुछ क्रेडिट्स हैं तो उससे भी 250 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस क्या हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के, तो आप देख सकते हो कि आपको क्विज, मॉक टेस्ट, नॉन टेक्निकल ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मीन्स एक ही जगह पर एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सब कुछ पा सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरी प्रोफाइल पर जाके मुझे मैसेज करना चाहते हो, बैच वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको, तो आप जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके जब आप सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730 तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ बैच वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछना है तो। मेरी स्पेशल क्लासेज भी आप देख सकते हो, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो मेरी प्रोफाइल पर जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ए वेरी गुड इवनिंग। ए वेरी गुड इवनिंग, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सोच रहा था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितना पढ़ाऊं आप लोगों को, तो मुझे लगा कि दो तरीका है पढ़ाने का। एक तरीका है जस्ट ओवरव्यू दे देने का आपसे कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम में कर ले जाओ, और दूसरा तरीका मुझे लगा कि डिटेल में पढ़ाया जाए कि ताकि न्यूमेरिकल वगैरह भी अगर आए बेस्ड तो आप कर ले जाओ। तो न्यूमेरिकल वाले अप्रोच से अगर मैं करवाऊँगा तो आई नीड एटलीस्ट 3.5 आवर्स, तब जाके आप कहीं अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख पाओगे। थ्योरेटिकल अप्रोच से चलेंगे तो एक आध घंटे में आप काम भर की चीज़ों को समझ जाओगे जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों को मिक्स करके 1.5 घंटे की क्लास बनाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ थियोरी की चीज़ें भी, ताकि आप एग्ज़ाम में कर ले जाओ। क्योंकि जैसे ही न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी आप थोड़ा सा हताश से हो जाते हो, क्योंकि आपने अगर कभी नहीं पढ़ा होगा तो। ऑपरेशनल एम्पलीफायर उतना ही मज़ेदार है जितना मज़ेदार KCL, KVL या नोडल एनालिसिस या थ्योनिन थ्योरम है। आप उसमें बहुत दिल लगाते हो लेकिन ओपैम में दिल नहीं लगाते हो, क्योंकि कभी दिल लगाने में इंटरेस्ट ही नहीं आया आपका, लेकिन आप दिल लगाओगे तो इसमें कुछ नहीं है, भी KVL और KCL का ही खेल है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी कोशिश मैं करूंगा कि अगर ओपैम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए SSC JEE UPSL JEE में तो आप कर ले जाओ, एटलीस्ट 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ ऋषिकेश, आके बिलाही, करण, लोग कह रहे हैं कि सर दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। अरे दिल मत धड़काओ, दिल मत धड़काओ, अभी तक दिल नहीं धड़काया तो अब दिल धड़काने की जरूरत नहीं है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक प्रकार का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो हाई गेन पाना चाहें अगर हम वोल्टेज वगैरह का तो यूज करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक प्रकार का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल क्यों अभी आगे समझ में आएगा। जो वोल्टेज गेन को या गेन को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू गेट द हाई गेन, अगर मुझे बहुत हाई गेन कहीं चाहिए होता है तो हम यूज करते हैं किसका, डिफरेंशियल सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओपैम्प के लिए, आइडियल ओपैम्प। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका इनपुट इंपेडेंस क्या होना चाहिए। बोलो इनपुट इंपेडेंस कितना होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इनपुट इंपेडेंस, इनपुट इंपेडेंस, इनपुट इंपेडेंस, इनपुट इंपेडेंस शुड बी व्हाट, इन्फिनिटी। जी हां अनंत। यानी आइडियली अगर देखा जाए तो इनपुट इंपेडेंस अनंत होना चाहिए और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनपुट इंपेडेंस हाई होना चाहिए। आइडियली अगर देखा जाए आदर्श रूप में तो इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, प्रैक्टिकली इनपुट इंपेडेंस हाई होना चाहिए। आइडियली 200 में 200 आप चाहते हो एसएससीजीएम में स्कोर करना, प्रैक्टिकली 160 70 75 आप स्कोर कर सकते हो। तो चाहते जो हो आप मिलता कहाँ है, मिलता वही है जो मिल सकता है। तो इनपुट इंपेडेंस हम आइडियल इनफाइनाइट चाहते हैं, आउटपुट इंपेडेंस कितना होना चाहिए। आइडियल की बात की जा रही है, आउटपुट इंपेडेंस। सर इनपुट इंपेडेंस आउटपुट इंपेडेंस क्या होता है, अभी आगे आएगा समझ में, नहीं भी समझ में आएगा तो रट लो, अभी टाइम कहाँ है इतना डिटेल में पढ़ने का। आउटपुट इंपेडेंस होता है जीरो, इसका आउटपुट इंपेडेंस होता है जीरो। अरे बोलो इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट और आउटपुट इंपेडेंस जीरो, ये दो तो बिल्कुल याद रख लो, अपने दिल में बसा लो, धड़कने वाले अपने दिल में इन दो चीजों को बसा लो। बसा लिया, अरे बोलो चिंटू बसा लिया कि नहीं बसा लिया। चलिए इनपुट इंपेडेंस आपका इनफाइनाइट, आउटपुट इंपेडेंस आपका हो गया जीरो। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए। वोल्टेज गेन या गेन की बात अगर की जाए, वोल्टेज गेन या गेन की बात की जाए तो ये होना चाहिए कितना, वोल्टेज गेन या गेन कितना होना चाहिए। वोल्टेज गेन या गेन, वोल्टेज गेन या गेन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, राइट। अगला है स्ल्यू रेट क्या होना चाहिए। सर ये क्या होता है पता नहीं चिंटू, पर याद रखो कितना होना चाहिए। बोलो स्ल्यू रेट कितना होना चाहिए। एक आइडियल ओपैम्प अगर मेरे पास है तो उस आइडियल ओपैम्प में स्ल्यू रेट कितना होना चाहिए, जीरो या इनफाइनाइट। लड़ाई बस इसी दोनों में है। बोलो स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होना चाहिए। स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होने का मतलब यह है कि आप अगर इनपुट वोल्टेज में कुछ चेंज करते हो तो तुरंत आउटपुट वोल्टेज में भी चेंज होना चाहिए। स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होने का मतलब है अगर मैं ओपैम्प के इनपुट के वोल्टेज में कुछ परिवर्तन करूं तो सेम टाइम पे एट इंस्टेंट आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होना चाहिए। स्ल्यू रेट अनंत होना चाहिए या स्ल्यू रेट इन्फिनिटी होना चाहिए, इसका मतलब यह है
कि अगर हम इनपुट वोल्टेज पे कुछ चेंज करें तो आई वांट इमीडिएट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया आपका स्लू रेट। उसके बाद है आपका CMMR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होगा CMMR? क्या होगा? चलो बैंडविड्थ इंफिनिटी, करेक्ट, बैंडविड्थ की चर्चा कर लेते हैं। बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? बैंडविड्थ इसकी इंफिनिटी होनी चाहिए। बैंडविड्थ इसकी इंफिनिटी होनी चाहिए, इसका मतलब कि जीरो से लेके इंफिनिटी रेंज की कोई भी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज दे दो इसको। बैंडविड्थ इंफिनिटी का मतलब यह है कि अगर आपने इनपुट वोल्टेज कुछ भी दिया, जीरो फ्रीक्वेंसी से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी, मींस यू हैव गिवन एनी वोल्टेज एंड हुज फ्रीक्वेंसी रेंजेज बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट, तो उसका यह एम्पलीफिकेशन कर पाए विदाउट एनी एटेन्यूएशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब है कोई भी वोल्टेज हो, उसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, अगर मैं दे दूं तो मुझे एम्पलीफिकेशन मिले, मींस गेन मिलना चाहिए। ठीक है कि जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी दूं, भाई एसी वोल्टेज दे रहे हो, एसी वोल्टेज अगर, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। अब फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज्यादा, कुछ भी हो, हर फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज को अगर मैं इनपुट के तौर पे दूं तो मुझे आउटपुट पे कुछ ना कुछ गेन बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। यह कहानी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होने की। खैर परिभाषा आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, यह टर्म जरूरी है कि बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलो कितना होगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होगा? अनंत होगा। CMMR आएगा कि ओपैम्प के लिए CMMR कितना होना चाहिए? आइडियली जीरो होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, 50 होना चाहिए या नन होना चाहिए या कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कि अगर हमारे पास आदर्श ओपैम्प है, ये मत लिख के चले आना नोट में कि सर आइडियल ओपैम्प तो हो ही नहीं सकता, तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? भाई सवाल पूछने वाले की मर्जी है। तो आप बोलोगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। अब आता है सवाल कि CMMR है क्या? CMMR की वैल्यू आइडियली तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। CMMR है क्या? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, अरे न्यूमेरिकल पूछा गया है इस पे एक बार, क्या पूछा गया है सर? CMMR किसका किसका अनुपात है? वैल्यू तो आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए, किसका किसका अनुपात है बोलो? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, या कॉमन मोड गेन अपॉन डिफरेंशियल गेन, या डिफरेंशियल गेन इनटू कॉमन मोड गेन। क्या CMMR किसका किसका अनुपात है या किसका किसका गुणनफल है? देखो CMMR है AD अपॉन AC, वेयर AD इज डिफरेंशियल गेन एंड AC इज कॉमन मोड गेन। एक सवाल इस पे पूछा गया है कि एक ओपैम्प में कॉमन मोड गेन इतना है, डिफरेंशियल गेन इतना है, तो बोलो CMMR कितना होगा? पूछा गया है आपके ही एग्जाम में, डिफरेंशियल गेन इतना है, कॉमन मोड गेन इतना है, तो बोलो CMMR कितना होगा? दोनों का अनुपात एडी पान एसी रख के निकाल लोगे। अरे ऋषिकेश देखो CMMR क्या होगा? AD अपान AC। बात समझ में आ रही है?
AD अपॉन AC। अगला टर्म है हमारा कि अगर इनपुट वोल्टेज जीरो दें हम तो आउटपुट वोल्टेज जीरो होना चाहिए, मतलब इफ इनपुट वोल्टेज जीरो, VI जीरो देन वी आउट जीरो। अगर इनपुट वोल्टेज जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज जीरो होना चाहिए, मतलब बिना कोई वोल्टेज दिए मैं कोई आउटपुट पे वोल्टेज नहीं चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई वोल्टेज दिया ही नहीं फिर भी आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है, कई बार होता है कि मैं कोई वोल्टेज दिया नहीं फिर भी आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है। तो आइडियल केस में अगर इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं है तो आउटपुट पे वोल्टेज जीरो ही होना चाहिए। आई डोंट वांट एनी वोल्टेज आउटपुट इफ आई एम नॉट गिविंग एनी वोल्टेज एट इनपुट। बात आ रही समझ में? खुशी का गाना सर जी अभी रब मत करिएगा प्लीज। हाँ, इसको इसको अगर आप डीबी में निकाल रहे हो फिर तो कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, ऑफसेट वोल्टेज वगैरह है, खैर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप टाइम उतना है नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई, देख लो। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो, वोल्टेज गेन इन्फिनिटी, स्ल्यू रेट इन्फिनिटी, बैंडविड्थ इन्फिनिटी, CMR इन्फिनिटी। CMR क्या है? AD अपॉन AC मीन्स डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। और लास्ट है इफ इनपुट वोल्टेज जीरो आउटपुट वोल्टेज शुड बी जीरो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दें। पहले तो जो लिखा हुआ है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, हर पॉइंट, ये भी ये भी ये भी, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। हर पॉइंट जो चार पांच पॉइंट है मेन अपने आप में क्वेश्चन है। आइडियल ऑपरेशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर बेस्ड, कि इनपुट इम्पीडेंस कितना, आउटपुट इम्पीडेंस कितना, स्ल्यू रेट कितना। अब आइए देखते हैं ओपैम्प का सर्किट कैसा होता है, ओपैम्प कैसा होता है, कैसे काम करता है। देखो ये मान लीजिए मेरे पास एक ओपैम्प है लाइक दिस, यहां भी सप्लाई वगैरह देते हैं बट वो मैंने नहीं बनाया है। कई बार प्लस VCC माइनस VCC, प्लस VCC माइनस VCC, प्लस 10 माइनस 10, या प्लस 5 माइनस 5, उसको छोड़ दो, ठीक है। ये ओपैम्प है, एक वोल्टेज ये दिया गया इनपुट, एक वोल्टेज ये दिया गया दूसरा V1 V2, ये है आउटपुट वोल्टेज V0। यहां लिखा दिया माइनस, यहां लिख दिया प्लस, ये ओपैम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। मान लीजिए ये माइनस है प्लस है, तो यहां पे ये जो वोल्टेज V1 है जो कि नेगेटिव पे दिया गया, इस वाले इनपुट को बोलते हैं इनवर्टिंग इनपुट, इस वाले इनपुट को बोलते हैं इनवर्टिंग इनपुट। क्या? इनवर्टिंग इनपुट। और इस वाले इनपुट को जो प्लस पे दिया जाता है इसको बोलते हैं नॉन इनवर्टिंग इनपुट, नॉन इनवर्टिंग इनपुट, नॉन इनवर्टिंग इनपुट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इनवर्टिंग। देखो इनवर्टिंग क्यों बोलते हैं, यहां पे जो भी आप दोगे उसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज यहां पे मिलेगा। जैसे अगर आपने यहां पे वेवफॉर्म वोल्टेज की ऐसे दिया लाइक दिस, तो यहां पे जो आउटपुट पे वोल्टेज की वेवफॉर्म मिलेगी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, क्योंकि यहां पे माइनस है ना, और यहां पे नॉन, इसलिए इन्वर्टिंग मतलब उल्टा, इन्वर्टिंग मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जो यहां दोगे उसका उल्टा मिल जाएगा। ये है नॉन इन्वर्टिंग क्योंकि ये प्लस के साथ है,
मतलब यहाँ पे जैसी वेवफॉर्म दोगे वैसी आउटपुट पे मिलेगा, जैसी दोगे आप वैसी आउटपुट पे मिलेगी। तो माइनस वाले को बोलते हैं क्या, इन्वर्टिंग, प्लस वाले को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। अभी के लिए आप इतना जानिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, माइनस वाला जो होता है वो इन्वर्टिंग होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है, मतलब जो दोगे उसका उल्टा। यानी चिंटू को अगर मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा ऐसे, तो चिंटू यहाँ पे कैसे मिलेगा, यहाँ पे ऐसे मिलेगा चिंटू। चिंटू चिल्लाएगा यहाँ पे, सर मुझे ऐसे क्यों कर दिया, उल्टा कर दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड का, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड का, और कॉन्सेप्ट बहुत बार बार और हर न्यूमेरिकल में यूज होता है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा बता के और फिर आगे बढ़ते हैं। किसका कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का? देखिए, मान लीजिए ऐसे मेरे पास ओपैम्प है, ये वोल्टेज है V1, ये माइनस है, मान लीजिए ये प्लस है, ये टर्मिनल था, इसको मैंने ग्राउंड से अटैच कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। क्या, किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से, और एक फीडबैक ऐसे दे दिया मैंने लाइक दिस। ये आउटपुट वोल्टेज है V0। अब इसका कुछ नाम दे दो, इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो, या फिर इसको ये फीडबैक पाथ प्रोवाइड करा रहा है तो RF नाम दे देते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस। खैर, मैंने इसको R1, इसको R2 मान लिया। एक इनपुट V1 है, दूसरा इनपुट जो है वो जीरो है, मतलब इस वाले इनपुट को, जो वाला जो टर्मिनल था इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जो वाला मान लीजिए इनपुट V2 था, इस V2 को क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हमने। दो इनपुट में से यहां तो इनपुट V1 दिया, दूसरा वाला इनपुट क्या है, ग्राउंड पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, मैं दे दूं R1 की कुछ वैल्यू, मैं आपको दे दूंगा 1 ओम, R2 की 2 ओम, और आउटपुट वोल्टेज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज V0, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, फाइंड V0 या फाइंड V0 अपन V1 पूछ लेगा, फाइंड V0 कितना होगा या V0 अपन V1 कितना होगा, V0 अपन V1 तो गेन ही हो जाएगा। अरे बोलो, देखो इधर, बातें बनाना बंद करो, बातें बनाना। गोलू बोल रहा है मैराथन क्लास कब आएगा। अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या यहाँ पे क्या जादू चल रहा है, क्या ये सर्कस चल रहा है, बंगाल के मशहूर जादूगरों द्वारा प्रदर्शित है आज का जादू। अब V0 निकालना है, V0 बाई V1 निकालना है। देखो जरा वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये वाला वोल्टेज कितना होगा, जीरो। देखो ये जीरो है, ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो जस्ट इसके ऊपर यहां वाला जो पॉइंट होगा वो भी जीरो होगा, जीरो। अगर ये देखो जीरो है तो ये जीरो 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 जीरो, तो पूरा जीरो ही है, ये जीरो है तो जीरो। इसका जो वोल्टेज होगा जस्ट ऊपर जाओ, ये इसका ही वोल्टेज वही होगा, इसका मत जीरो कर देना, इसका जस्ट मतलब यहां से निकलते ही जीरो। तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, जीरो। ये है वर्चुअल ग्राउंड, जीरो का कॉन्सेप्ट। यहां कुछ भी लगाओ, यहां रजिस्टर लगाओ, यहां कुछ लगाओ, यहां कुछ भी हो, आपका घर बना हो, बट यहां पे ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, सबसे पड़ोस में बिल्कुल, इसमें कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए, सीधे बिल्कुल। अब देखो जरा, मान लीजिए यहां से कुछ करंट आ रही है I1, मान लीजिए आई करंट आ रही है। अब आई करंट ऐसे आ रही है, आई 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 आई, अंदर जाएगी क्या आई करंट, ना। क्यों, ओपैम्प का आइडियल, ओपैम्प का इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है तो अंदर कहां जाएगी, इनफाइनाइट इंपीडेंस है तो नहीं जाएगी अंदर, तो कैसे जाएगी चिंटू, बोलो ऐसे, कैसे चिंटू ऐसे। सर उसके बाद इधर जाएगी क्या, आउटपुट इंपीडेंस जीरो होता है डेली, तो अंदर जा सकती है, अंदर जा सकती है, आउटपुट इंपीडेंस जीरो अंदर जा सकती है, इधर से अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि इनपुट इंपीडेंस क्या है, इनपुट इंपीडेंस क्या है डेली, इनफाइनाइट। तो ये करंट ऐसे 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 यहाँ देखेगी कि मैं चली जाऊँ, पर्दा खुला है तो चली जाऊँ, लेकिन पर्दा बंद है, इनफाइनाइट इंपीडेंस लाइक दिस।
अब देखो जरा यहां से यहां करंट कितनी होगी, यहां से यहां करंट बताओ जरा भाई, जो करंट यहां से यहां आ रही वही करंट इधर से उधर जाएगी ना, तो यहां से यहां की करंट को क्या लिखोगे आप, वी वन माइनस जीरो बटे आर वन, वी वन माइनस जीरो बटे आर वन, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस आर वन, बराबर ये करंट आएगी वही करंट तो आगे जाएगी, तो ये वोल्टेज कितना है वी नॉट, तो ये जीरो है ये वी नॉट है, जाने वाली करंट क्या होगी, करंट अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब ये हाई पे होगा ये लो पे होगा, तभी करंट ऐसे जा रही है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो जीरो माइनस वी नॉट बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया आर टू, यहां से क्या हो गया वी वन बटे आर वन बराबर वी नॉट बटे आर टू, तो यहां से वी नॉट आपको क्या मिल गया, वी नॉट आपको मिल गया क्या, वी टू, वी टू कहां से आ गया, वी वन अपन आर वन वी नॉट अपन आर टू है आर टू, तो वी नॉट आपका क्या हो जाएगा आर टू अपन आर वन इंटू वी वन, ये अच्छा ये माइनस में है, वेट वेट ये माइनस में है यहाँ पे राइट, तो वी नॉट हो जाएगा आर टू अपन आर वन और माइनस, ये माइनस के साथ आएगा माइनस के साथ, वी नॉट बराबर दिस, देखो आर टू चला गया ऊपर तो आर टू बटे आर वन माइनस आ गया इधर माइनस आर टू बटे आर वन इंटू वी वन, तो वी नॉट हो गया माइनस आर टू बटे आर वन इंटू वी वन, या अगर आप गेन लिखना चाहते हो कि आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज तो हो जाएगा माइनस आर टू बटे आर वन, तो ये तो निकालना था मुझे, तो आर वन आर टू की वैल्यू अगर दे देगा कि आर वन फलाना ओम है आर टू इतने ओम है आर वन इतने ओम है, अरे यही सवाल बना के दे दिया ऐसे दे दिया आर वन की वैल्यू दे दिया, इफ आर वन इज टू ओम आर टू इज फोर ओम V1 is 6 volt. What is V0? Can you solve it? Circuit ऐसे बना के दे दिया. V1 is 6 volt. This value is given. This value is given. Tell me the value of V0. Can you solve it? लगाओ ये formula. V0 बराबर minus R2 बटे R1 4 बटे 2 into V1. V1 कितना 6 2 2 ना 4 minus 12 volt. आया, तो अब R1 R2 की कुछ भी वैल्यू दे देगा, इस वोल्टेज G1 की कुछ भी वैल्यू दे देगा और आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ लेगा, तो कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, बात आई समझ में, एक चीज आप यहां से और देख सकते हो कि V नॉट है माइनस आर टू बटे आर वन, अगर मैं ये कह दूं कि इफ आर वन बराबर आर टू बराबर वन तो V नॉट कितना होगा, V नॉट हो जाएगा माइनस वी वन, V नॉट हो जाएगा माइनस वी वन, अगर इसका और इसका रेजिस्टेंस एक लो मैं ले लूं या सेम ले लूं, मतलब जो भी हो ये और ये सेम हो, आर वन बराबर आर टू बराबर आर ले लो, क्या दिक्कत है, आर ले लो आर वन बराबर आर टू बराबर आर सेम अगर ले लो मैं, तो आर सी आर कैंसिल वी नॉट बराबर माइनस वी वन, देखो जो वोल्टेज यहां पे दे रहे हो उसका माइनस साइन मिल रहा है ना, इस माइनस पे जो भी वोल्टेज दे रहे हो उसका उल्टा आउटपुट पे मिल रहा है, इसका मतलब अगर वी वन का ग्राफ ऐसा होगा, अगर वी वन का ग्राफ ऐसा होगा तो जो वी नॉट मिलेगा उसमें माइनस साइन ठोको, माइनस साइन का मतलब फेज शिफ्ट 180 डिग्री ये हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इनवर्टिंग इनपुट, जो भी दिया आपने उसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज या 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, वी नॉट बराबर माइनस वी वन,
इसलिए वी1 को क्या बोलते हैं, इनवर्ट। इनवर्ट जो है इनवर्जन से बना है, उल्टा। इनवर्ट, इनवर्टिंग इनपुट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो जो भी इनपुट पे देंगे उसका उल्टा मिलेगा आपको आउटपुट पे। अब आइए हम बात करते हैं एक सर्किट होता है एडर सर्किट। ओपैम्प में एक होता है एडर। एडर का नाम सुना है? अरे हाफ एडर फुल एडर वाला नहीं, डिजिटल वाला। एडर एक सर्किट होता है। एडर सर्किट का क्या काम होता है, जो इनपुट पे वोल्टेज दोगे उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। देखो एडर, ओपैम्प से चार प्रकार के सर्किट आप नॉर्मली बनाते हो, एडर, सब्सट्रैक्टर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। एडर, सब्सट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर। कई बार सर्किट बना के सीधे पूछ लेता है, बोलो इंटीग्रेटर है कि सब्सट्रैक्टर है कि एडर है कि क्या है। तो एडर सर्किट अगर मैं बनाऊं तो एडर कुछ ऐसे बनता है। यह है आपका ओपैम्प, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है वी नॉट, मैंने एक रजिस्टर यहां लगा दिया और यहां पे एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। इसको एक वोल्टेज वी1 दिया, इसको वोल्टेज वी2 दिया, इसको वोल्टेज वी3 दिया। इस रेजिस्टेंस को नाम रखा R1, इसको नाम रखा R2, इसको नाम रखा R3। R1 R2 इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, जीरो से कनेक्ट कर दिया। इसको नाम फीडबैक वाला नाम रख लीजिए, फीडबैक रेजिस्टेंस, RF या R4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, RF रख लो या RF रख लो या R4 रख लो। यहां मैंने V1 दिया, V2 दिया, V3 है, इनपुट वोल्टेज दिया, R1 R2 R3 है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो RF लिख दो या R4 लिख दो, ये V0 आउटपुट वोल्टेज है। ये सर्किट है एडर का। एडर का यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या करेगा, तीनों इनपुट वोल्टेज को ऐड करेगा। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। ये एडर का सर्किट है, कैसे एडर है। यहां से जो भी करंट आएगी और यहां से जो भी करंट आएगी और यहां से जो भी करंट आएगी, वो करंट ऐसे आ करके इधर तो अंदर तो नहीं जाएगी, ऐसे जा सकती है। क्या एक करंट अंदर जाएगी ओपैम्प में? इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट है तो कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी। ये करंट अंदर नहीं जाएगी, तो एक तीनों करंट आके मिलके फिर ऐसे जा सकती हैं। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो अगर एक ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज जीरो होगा, ये जीरो है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो। जीरो वोल्टेज, जीरो पोटेंशियल होगा इसका भी। अब आप क्या करो, यहां से यहां तक देखो करंट कितनी आ रही है, इस करंट को देखो कितनी करंट है। ये करंट को मान लो I1 या कुछ मानो, क्या छोड़ो, इस करंट को देखो कितनी होगा। ये जीरो पोटेंशियल तो ये कितना होगा, जीरो। ये कितना होगा, जीरो। ये कितना होगा, जीरो। अगर ये जीरो था तो ये जीरो, ये जीरो है तो ये जीरो। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो ये जीरो, जीरो जीरो। अब इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज जीरो, इसका रेजिस्टेंस R1, यहां से करंट कितनी जाएगी, ये जीरो पे है, V1 मान लिया तो ऐसे जा रही है, तो करंट कितनी जाएगी, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज बटे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो V1 माइनस जीरो बटे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 प्लस, ये करंट कितनी जाएगी, V2 माइनस जीरो बटे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 प्लस, ये करंट कितनी जाएगी, V3 माइनस जीरो बटे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R3। ये क्या है, ये तीनों की करंट जो आ रही वो है सम, यही तो है। मतलब ये तीनों करंट आके जो यहां पे आ रही होंगी वो करंट है। अब जो करंट आएगी उतनी करंट तो आगे जाएगी। मान लो ये करंट है I, मान लीजिए I1, और यहां पे करंट जा रही I2,
तो ये तीनों करंट मिलके तीनों का सम ही तो I1 होगा, और जो I1 आएगी वही I2 जाएगी, तो I1 बराबर I2, तो I1 तो हमने लिख दिया, तीनों का सम आने वाली बराबर ये I1 के। जाने वाली क्या होगी, यहाँ से जाने वाली क्या होगी, ये जीरो है, ये वी नॉट है, ये रेजिस्टेंस R4 है, तो जीरो माइनस वी नॉट बटे R4 बराबर, ऐसे करंट अगर जा रही है इसका मतलब हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पे होगा, ये जीरो है इसका मतलब और कम होगा, मीन माइनस में हो सकता है, तो जीरो माइनस वी नॉट बटे वी फोर, जीरो माइनस वी नॉट अपन R4, ये हो गई इक्वेशन। अब यहां से आप निकाल सकते हो क्या, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वी वन बटे आर वन प्लस वी टू बटे आर टू प्लस वी थ्री बटे आर थ्री बराबर माइनस वी नॉट बटे आर फोर, ठीक है। यहां से वी नॉट क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आर फोर को उधर भेजो तो माइनस आर फोर वी वन अपान आर वन प्लस वी टू अपान आर टू प्लस वी थ्री अपान आर थ्री, ये एक्सप्रेशन आएगा, याद रखो। अरे कैसे सवाल आएगा इस पे, देखो इधर आउटपुट वोल्टेज है ये, क्या दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस प्लस, और होगा तो दिस बटे दिस करते जाएंगे, दिस बटे दिस क्या, दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस प्लस, दो ही होता तो दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस। यहाँ आर फोर क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला, या माइनस साइन लगाया है, ये माइनस था ना, ये आउटपुट वोल्टेज है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा सर, अभी कराता हूँ चिंटू। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, कैसे करेंगे सर, अरे हमें नहीं फार्मूला याद, ऐसे करूंगा मैं, दिस अपान दिस बड़े वी बाई आर प्लस वी बाई आर प्लस वी बाई आर, कैसे दिस अपान दिस प्लस दिस अपान दिस प्लस दिस अपान दिस, ब्रैकेट में बंद, माइनस ठोको और ये लगाओ, मल्टीप्लाई करो, हो गया आउटपुट वोल्टेज। अब अगर यहां पे एक स्पेशल केस, अगर तीनों रेजिस्टेंस ये और बराबर ये हो जाए, यानी इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर R, तो बोलो V0 कितना होगा, चेन टू R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर, तो यहां से 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर कॉमन लोगे, 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर समय कॉमन, 1 बाई आर कॉमन और ऊपर R बैठा हुआ है, R बटे R कैंसिल, V0 हो जाएगा माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, मिल गया। आउटपुट पे क्या किया आपने, तीनों इनपुट वोल्टेज को जोड़ दिया, और माइनस क्यों लगाया, अरे माइनस है तो माइनस लग गया, वी नॉट इज माइनस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, एडर इसका नाम क्यों दिया गया, जो भी इनपुट पे तीनों वोल्टेज थे वो तीनों वोल्टेज जोड़ के मिल गए मुझे, ये माइनस ये बता रहा है कि आप जो आप इनपुट दे रहे थे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे थे, दैट्स व्हाट इज माइनस। सर ये तो ठीक है सर, क्या सवाल इस पे आएगा, एक तो ऐसे डायग्राम बना के पूछ देगा ये क्या है, तो एडर याद रखना, दूसरा न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, न्यूमेरिकल कैसे आएगा सर, देखो सर न्यूमेरिकल से हमको बहुत डर लगता है बचपन से सर, कोई तरीका है सर न्यूमेरिकल से डर दूर भगाने का, चिंटू एक चूरन है मेरे पास, आओ कभी तो तुम्हें दें सर, कुरियर कर दो ना चूरन, सर बुला क्यों रहे हो, सिक्स बोल्ट फोर बोल्ट टू बोल्ट थ्री ओम टू ओम वन ओम, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कितना होगा,
ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 1 है, ये 1 है, वी नॉट। बोलो, जवाब दो इस सवाल का मुझे। ऋषिकेश बोले सर ऐसा मत कहिए वरना सब प्रयागराज पहुंच जाएंगे चूरन लाने। अरे सब आलसी हैं बहुत, वो बगल के घर में तो जाते नहीं हैं, इतनी दूर कहाँ आएंगे। इसका आंसर दो। कैसे करेंगे सर, इतना टफ सवाल आ जाएगा तो ऐसे सवाल आएगा जो प्रैक्टिस करके जाएगा और नंबर लेके आएगा, जो चूरन खाएगा और सही जवाब देगा। वी नॉट बराबर, वी नॉट बराबर क्या, दिस बटे दिस। अरे देखो, दिस बटे दिस 6/3 कितना हो गया, 2 प्लस 4/2, 2 प्लस 2/1, 2 n 2 n 2 दिस 1, माइनस साइन ठोको, माइनस 2 2 4 2 6, -6। कौन सी कैलकुलेशन थी इसमें, अरे क्या किया, दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस प्लस दिस बटे दिस, एक ब्रैकेट बंद किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और वन ओम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है R4, बस दिस बटे दिस ऐसे यही तो किया है। सोहन दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आया समझ में सवाल कैसा बनेगा, सवाल कैसा बनेगा, आया समझ में। तीनों वोल्टेज, अगर तीनों वोल्टेज दे दिया, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर मैं कर दूं, ये 3 ओम कर दूं, इसको भी 3 ओम कर दूं, इसको भी 3 ओम कर दूं और इसको भी 3 ओम कर दूं, तो बोलो क्या होगा आंसर। 3, यह है 3, ये भी 3, ये भी 3, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सीधे तीनों को जोड़ दो और माइनस साइन ठोको। तीनों वोल्टेज को क्या करो, जोड़ो 6 4 10, 2 12 और माइनस साइन ठोक दो, -12। देखो अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 और R4 बराबर R है, तीनों मतलब एक दो ये चारों बराबर हैं, तो वी नॉट क्या होगा, इनपुट वोल्टेज को जोड़ो माइनस साइन ठोको, जोड़ के माइनस साइन ठोका, -12। क्लियर है, तो ऐसा सवाल आएगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे, आया समझ में। आइए एक सवाल आपको और देते हैं। तो ये एडर की कहानी थी, रिमेंबर दिस। चलिए अगला सवाल देता हूं, जरा बताएंगे आंसर आप लोग। माइनस प्लस, ये है वी नॉट, ये है R1, और ये किया गया है ग्राउंड, और इस बार यहाँ पे वोल्टेज है वी इन, ये वी इन है, ये R1 है, ग्राउंड किया गया है, और यहाँ पे ये है R2, R2 R1 V इन V नॉट, ये ग्राउंड है। आपको बताना है गेन कितना होगा इसमें, गेन V नॉट अपॉन V इन। आंसर आपको R1 और R2 के टर्म्स में देना है। गेन कितना होगा, V नॉट बटे V इन, आपको आंसर R2 और R1 के टर्म्स में देना है। R1 की वैल्यू कुछ दे देगा, R2 की कुछ दे देगा, तो आंसर पूछ लेगा। बोलो,
एन के राजपूत, लोकेश मेहरा, नितिन, रोशनी, करण, ऋषिकेश, एवरीवन निकालो इसका जवाब। मैंने कहा मुझे आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज बता दो गेन, ये जीरो है। R1 R2 के टर्म्स में बताना आंसर, R1 R2 की वैल्यू कुछ दे देगा और न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो कैसे करोगे? नमन काया है 1 + R2 / R1। देखो ये वोल्टेज तो जीरो है, राइट? ये वी इन है, ये वी इन वोल्टेज है, तो ये वी इन है तो ये होगा इसके बराबर होगा। जो वोल्टेज इसका होता है ना यहां पे, बिल्कुल एक कॉपी हो जाता है यहां पे। यहां जीरो होता तो यहां जीरो हो जाता, यहां जीरो होता तो जीरो हो जाता, यहां वी इन है तो वी इन हो गया। ये जीरो है, वी इन है, वी नॉट है। दो बार लगा दो कैसे? यहां से मान लो कुछ करंट आई, जो करंट यहां से यहां आएगी मान लो ऐसे, वही करंट ऐसे जाएगी, इधर तो जा नहीं सकती, इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट है तो नहीं जाएगी, ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी। तो यहां से आने वाली करंट कितनी है? अगर करंट को ऐसे मान रहा है इसका मतलब हाई है, ये लो होगा, तो हाई माइनस लो बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस तो कितना हो गया, जीरो माइनस वी इन बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R1। अब वही करंट जो आई वही करंट इधर गई ऐसे, तो ये वी इन है और ये वी नॉट है, तो इसका मतलब करंट ऐसे जा रही तो वी इन हाई होगा, वी नॉट लो होगा, तो हाई माइनस लो बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R2, तो वी इन माइनस वी नॉट बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R2। अब यहां से क्या हो गया, माइनस वी इन अपान R1, ये हो गया वी इन माइनस वी नॉट अपान R2। अब आपको निकालना है क्या, वी नॉट अपान वी इन, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस वी इन इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी इन इंटू R1 माइनस वी नॉट इंटू R1, तो वी नॉट तो वी इन को इधर भेजो, तो माइनस वी नॉट R1 प्लस वी इन को कॉमन लिया तो R1 + R2 बराबर जीरो हो जाएगा। वी नॉट को उधर भेज दो तो एक तरीके से वी नॉट R1 बराबर हो जाएगा वी इन R1 + R2, तो यहाँ से वी नॉट अपान वी इन हो जाएगा, वी नॉट अपान वी इन हो जाएगा क्या, R1 + R2 बटे R1, R1 से भाग दोगे तो 1 + R2 / R1, तो ये हो गया गेन। तो इस सवाल में अगर R1 और R2 की कुछ वैल्यू दे देगी तो यहाँ रख के नहीं कर लोगे आप, हो सकता है R दे दे, सेम R, तो R / R कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? क्लियर है ये कहानी या नहीं क्लियर है, बोलें सभी लोग। अगर मैं बोल दूं R1 की वैल्यू, मैं ऐसे दे दूं, R1 की वैल्यू है 1 ओम और R2 की वैल्यू है 200 ओम, तो बोलो कितना होगा गेन? तो गेन हो जाएगा वी नॉट बटे वी इन बराबर 1 + R2 कितना 200 / R1 कितना 1, तो 201 हो जाएगा गेन। तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या, कौन सा मेथड मैं लगा रहा हूं, कौन सा नोडल करंट ही तो निकाल रहा हूं मैं, बस ये सब के तो आप मास्टर हो। देखिए और बताइए कोई डाउट है इसमें तो। चलिए अगला सवाल।
चलिए अगला आप सवाल है, अभिमान आंसर बताइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नॉट है ये वोल्टेज है आपका 8 वोल्ट, ये वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट, ये है आपका 6 ओम और ये है आपका 1 ओम। आपसे पूछा गया है फाइंड आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कितना होगा, ये माइनस है प्लस है, बता दीजिए आंसर। निकालिए इसका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू किसने दी है, मासूम ने दी है 2, बप्पन का आया है 1, खुशी का 1, अभिमान का 1, यानी 1 और 2 में लड़ाई चल रही है, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, बाकी लोग बताओ। देखो देखो कैसे करेंगे, ये 2 है तो ये 2, तो ये जितना नीचे वाला होता है ना, बिल्कुल ये 2 है तो पूरा 2 2 2 2, ये अगर 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होगा, क्लियर, ये 2 वोल्ट है, नीचे वाला जो होता बिल्कुल कॉपी मार दो 2 वोल्ट, अगर 0 होता तो 0 लिखते, या 5 होता तो 5 लिखते, 2 है तो 2, 0 होता तो 0 होता तो 0 लिख देते। अब देखो ये 8 वोल्ट है, 2 वोल्ट करंट यहां से आएगी ऐसे, इधर अंदर तो नहीं जा सकती, इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट है, ये वी नॉट मतलब ये वोल्टेज वी नॉट है, तो यहां से यहां जो करंट आएगी वही करंट तो यहां से यहां जाएगी, तो यहां से आने वाली करंट क्या होगी, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बटे 6, तो 8 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस, यहां से यहां कितनी करंट जाएगी, हाई से लो ही जा सकती है करंट, आप इधर से इधर मान रहे हो इसका मतलब भी हाई होगा ये लो होगा, तो 2 वोल्ट माइनस वी नॉट डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 1, मतलब बराबर है, प्लस नहीं बराबर करना है, जो इधर से यहां तक आई वही बराबर इसके इस नोड पे आने वाली बराबर इस नोड से जाने वाली, ये बराबर करना था। अब 8 माइनस 2 कितना हो गया, 4 बाई 6, ये 2 माइनस वी नॉट, तो वी नॉट को इधर भेज दें अगर हम, तो वी नॉट बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4 बाई 6 हो गया कितना 2 बाई 3, 3 दूना 6, 6 माइनस 2 4 बटे 3, ये 4 बटे 3 आया है, आप लोगों का क्या आया है भाई, आप लोगों का 1 माइनस 1 कैसे आया, 8 माइनस 2 बटे 6 बराबर 2 माइनस V0 अपॉन 1, अरे यार 8 माइनस 2 प्रचेंट प्रिंटिंग मिस्टेक, 8 में से 2 गया 6 बचा ना, 6 बटे 6 2 माइनस V0 ये कट गया 1, सर आप भी क्या बच्चों जैसी गलतियां करते हो, V0 बराबर 2 माइनस 1 दैट इज 1 वोल्ट, क्या करे चिंटू सॉफ्टवेयर शाम तक आते आते काम करना बंद कर देता है, ठीक है
द राइट आंसर इज 1 वोल्ट. शाम तक आते आते सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मोड में चलता है, दिमाग काम कम करता है, जुबान ज्यादा काम करती है. चेंट आया समझ में? चलिए, अभी तक आपने एडर के बारे में देखा था, ये सर्किट था, क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपने क्या किया, कौन सा इसमें डरावना था? प्रोसीजर बस आपको पता था कि ये जितना होगा उतना मान लेते हैं, ऐसे ही करंट वगैरह डिवाइड करके निकाल लेते हैं. तो अगर आपको दो दो घंटे की 4-5 क्लास पढ़ा दी जाए तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आप बादशाह बन जाओगे. एग्जामिनर से कहोगे बोलो लाओ क्वेश्चन पेपर का, मैं धुम्मा उड़ा दूंगा. तो आज क्या टाइम कम है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेटर की. इंटीग्रेटर सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटर कई बार सर्किट बस बना के दे देगा, बोलेगा बताओ कैसा है, इंटीग्रेटर है कि डिफरेंशिएटर है, कैसा है? तो आइए देखते हैं इंटीग्रेटर सर्किट कैसा होता है, क्यों इंटीग्रेटर कहते हैं, और इस पर अगर सवाल आएगा तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आइए. इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर ये है मेरा ओपैम्प, मेरा प्यारा सा ओपैम्प है ये. यहाँ पे हमने इनपुट दिया वी इन, इसको कनेक्ट कर दिया 0 से. यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया. सर कैपेसिटर क्यों लगाया? डर लग रहा है सर देख के. हटाओ सर उसको, रजिस्टर लगाओ. चिंटो इंटीग्रेटर है तो कैपेसिटर लगेगा. अच्छा ठीक है सर लगा दो, कोई बात नहीं. सी है ये, आर है ये, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, ये इंटीग्रेटर का है. अरे अगर यहां लेफ्ट साइड आर और राइट साइड सी है तो इंटीग्रेटर जगह बदल दो तो डिफरेंशिएटर. यहां आर यहां सी तो इंटीग्रेटर, और अगर जगह बदल दो तो डिफरेंशिएटर. यहां आर यहां सी तो इंटीग्रेटर, और सी यहां आर यहां तो डिफरेंशिएटर. सर्किट देख के तो पहचान लोगे ही, ये कैसा इंटीग्रेटर, क्यों है इंटीग्रेटर, आइए देखते हैं. आइए देखते हैं, आइए देखते हैं. ये इंटीग्रेटर है तो क्यों है? ये 0 है, 0 0 0 0, ये 0. अगर ये 0 तो भी 0, ये वी इन, ये 0, ये वी नॉट. आप ये बताओ यहां से यहां जो करंट आएगी वही करंट यहां से यहां जाएगी, इधर तो नहीं जा सकती. तो यहां से आने वाली करंट बराबर यहां से आ जाने वाली करंट, ये तो रजिस्टर है. तो रजिस्टर में करंट क्या लिखते हो आप? दिस माइनस दिस बटे आर. तो वी इन माइनस 0 बटे रेजिस्टेंस आर बराबर यहां से यहां जाने वाली करंट. आप लोग मेरे प्यारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हु आर गोइंग फॉर अपियरिंग द एसएससी जे एन यूपीपीसीएल जे एग्जाम, टेल मी द करंट इन दिस ब्रांच. दूध का दूध और पानी का पानी. बताओ इस ब्रांच में आने वाली करंट बताओ मुझे. सर यहां से यहां वाली तो मैं निकाल लूंगा, वी इन माइनस 0 बटे आर. इस ब्रांच की करंट कितनी होगी यहां से यहां तक? बताओ यहां से, अरे जो इधर से इधर आएगी वही इधर से इधर आएगी. तो इधर से इधर वाली तो मैंने ऐसे लिख दिया, इधर से इधर वाली जो भी होगी मैं यहां बराबर करके लिख दूंगा. बोलो कितना, बोलो कितना. अनिल कुमार, पंकज, खुशी, एक्सप्लोसिव डायनामाइट, क्या क्या नाम रखता है चिंटू, एक्सप्लोसिव भी और डायनामाइट भी, मतलब दो दो ऐसे हार्ड वर्ड रखते हैं कि सामने वाले का दिल धड़क के चकनाचूर हो जाए. अरे अरे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जाने वाली करंट का फार्मूला क्या होता है?
क्यू बराबर सी वी नहीं पढ़ा है तो करंट क्या होती, करंट होती है डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्यू अगर इतना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सी डी सी वी को, सी कांस्टेंट है, सी डी वी बाई डी टी, यही होगी करंट कैपेसिटर में, सी इंटू डी वी बाई डी टी करंट। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी। वी 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 क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज है वी। यहां पे वी क्या लोगे, वोल्टेज डिफरेंस। वी क्या है, वोल्टेज, या वोल्टेज डिफरेंस है कैपेसिटर का। यहां पे वोल्टेज डिफरेंस कितना, ये जीरो है और ये कितना है, वी नॉट है। तो दिस माइनस दिस जीरो है, ये वी नॉट है। अरे ऐसे करंट जा रहे तो हाई होगा ये लो होगा, दिस माइनस दिस जीरो माइनस वी नॉट, चलेगा। सी डी वी बाई डी टी, या वी की जगह पे दिस माइनस दिस कर दिया, वोल्टेज डिफरेंस लिखना है मुझे। यहां तो वोल्टेज ऐसे ही था वी, तो लिख दिया, आया समझ में। अब देखो यहां से क्या होगा, वी इन बराबर हो जाएगा आर इंटू सी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस वी नॉट, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस क्या इधर भेज दो माइनस को, डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट। अब यहां से आप देखो डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट बराबर माइनस वी इन बटे आर सी। यहां तक कोई डाउट है तो किसी को बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है कि डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट बराबर होगा माइनस वी इन बाई आर सी। अब मुझे निकालना है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और जबकि यहां डिफरेंशिएशन के साथ वी नॉट है, तो अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो उल्टे होते हैं ना, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड का तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दूं तो ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हट जाएगा, यहां इंटीग्रेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं, तो अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में करूं दोनों साइड का तो कितना होगा, अगर मैं दोनों साइड का कर दूं क्या, इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे डी बाई डी टी गायब, वी नॉट बराबर यहां क्या होगा माइनस वी इन बाई आर सी, इस पूरे का इंटीग्रेशन करो माइनस वी इन बटे आर सी। अब देखो वी इन इनपुट वोल्टेज है आर सी, ठीक है, तो आपका जो वी नॉट हो गया एक तरीके से माइनस वन अपान आर इंटू सी वी इन, ऐसे लिख सकता हूं मैं, नहीं वी नॉट हो गया आपका वन अपान माइनस वन अपान आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी इन, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे डी टी भी लिख देना, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हो तो ये साइन लगाते हैं, फिर यहां डी टी लिख देते हैं, मतलब टी के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पे हमने इंटीग्रेशन किया तो ये डी बाई डी टी गायब हो गया, वी नॉट लिख दिया, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो डी टी लिखेंगे ना किसके रिस्पेक्ट में, वो लिख दिया डी टी। ये है यहां आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, माइनस वन बाई आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी, मीन्स इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करो, इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करो और जो आए उसमें एक कांस्टेंट है उससे गुणा भाग करो जो भी है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। मीन्स इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करने के बाद आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटर सर्किट, इंटीग्रेटर, इसको इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करने के बाद आउटपुट मिल रहा है। यह नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे ऐसे नहीं आ रहा तो इसको करो डीटी को उधर भेज दो, डीटी को उधर भेजो, भेज दो डीटी को, फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इधर करिए इंटीग्रेट, इधर किया इंटीग्रेट, ये इससे कट गया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे होते हैं, कट गया, क्या बचा, वही छाप दिया वहां, देखो वही तो छापा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो वी नॉट आपका हो गया डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट माइनस वी इन बाई आर सी। आया समझ में,
अब हम बात करते हैं डिफरेंस। तो ऐसा सर्किट बना के दे देगा, पूछ लेगा ये क्या है, ये एडर है, सब्सट्रैक्टर है, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, क्या है? तो देखना आर लेफ्ट साइड है, सी राइट साइड है, आर सी आर सी, तो क्या है? इंटीग्रेटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी और आर की पोजीशन को क्या करो, एक्सचेंज कर दो। सी और आर की पोजीशन को क्या करो, एक्सचेंज, और आपको मिल क्या जाएगा, डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर ये स्पेलिंग क्यों गलत हो रही भाई? डिफरेंशिएटर, देखो इधर आर और सी की पोजीशन को बदल दो, यहां सी को कर दो और यहां पे आर को कर दो, यहां आर को कर दो, यहां सी को कर दो, हो गया। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटर। कैसे सर? देखो कई बार जैसे हमने वो फार्मूला लिखा था आउटपुट का, तो याद होना चाहिए आपको कि आर और सी को मल्टीप्लाई कर दो, इनपुट वोल्टेज जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन ठोको, जो आर और सी था पिछले वाले में मल्टीप्लाई करो, वन अपान करो, इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करो, माइनस साइन ठोको। अब देखिए डिफरेंशिएटर में, इसको डिफरेंशिएटर कहते हैं, तो बना के पूछ लेगा क्या क्या है डिफरेंशिएटर, एडर, सब्सट्रैक्टर, फलाना फलाना, तो ये डिफरेंशिएटर है। देखो यहां से करंट आएगी ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, ये जीरो है तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो 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 जीरो, यहां से करंट ऐसे आएगी और जो आएगी वही जाएगी, तो यहां से आने वाली करंट कितनी होगी, कैपेसिटर है देखो, तो कैपेसिटर में आने वाली करंट क्या होती है, सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज डिफरेंस, तो इसका वोल्टेज वी इन, इसका जीरो, तो ये हो गया वी इन माइनस जीरो, यही तो होगा सी डी बाई डी टी ऑफ दिस माइनस दिस, बराबर यहां से आ जाने वाली करंट क्या होगी, ये जीरो है, वी नॉट है, जीरो माइनस वी नॉट अपान ब्रांच का रेजिस्टेंस आर, यहां से डी बाई डी टी ऑफ इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, सी को इधर भेजो, माइनस वी नॉट अपान आर सी, ठीक है, तो यहां से वी नॉट कितना होगा, यहां से वी नॉट कितना होगा, देखो माइनस वी नॉट बटे आर सी, ये है आपका डी बाई डी टी ऑफ वी इन, कोई दिक्कत है यहां तक? तो आपको V नॉट क्या मिलेगा, V नॉट मिलेगा माइनस आर सी डी बाई डी टी ऑफ वी इन, क्या मिला आउटपुट वोल्टेज, आपको V नॉट क्या मिला, माइनस आर सी डी बाई डी टी ऑफ वी इन, यानी आपने जो भी इनपुट पे वोल्टेज दिया था उसको डिफरेंशिएट किया हमने, तब जाके उस फॉर्म में कहीं आउटपुट वोल्टेज मिला है। जो भी इनपुट पे वोल्टेज दिया गया था यहां पे, उस इनपुट के वोल्टेज को अवकलन करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद आउटपुट वोल्टेज मिला है। मींस यू हैव टू इंटीग्रेट द इनपुट विच यू आर गिविंग हियर, देन यू विल गेट द आउटपुट। इसलिए सर्किट को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटर। आउटपुट मिलता है इनपुट के रूप में, मगर इनपुट को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है। तो आपके लिए करना है, याद क्या रखने लायक है, आप सर्किट को थोड़ा सा याद रखना और आउटपुट वोल्टेज याद रख सकते हो तो याद रखना, ठीक है। आसानी तो था, पिछले वाले में क्या था, माइनस तो वहां भी था, आरसी क्या था, वन अपन आरसी था, यहां बाकी इंटीग्रेशन था,
अरे इंटीग्रेटर में क्या था, वी नॉट माइनस वन अपन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी, ये था इंटीग्रेटर में। डिफरेंशिएटर में सब पलट दो, पूरा उल्टा करो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, क्या हो गया माइनस आर सी। इंटीग्रेशन का उल्टा क्या कर दो, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, खत्म। सर ये तो अच्छी ट्रिक है सर, इंटीग्रेटर का याद रखेंगे और याद रख लेंगे उल्टा कर देंगे, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसके लिए करना, बाकी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन कर देना, या इंटीग्रेशन था तो इसका उल्टा डिफरेंशिएशन कर देना, ये हो जाएगा। तो आउटपुट है जो कि आपको याद रखना है, ऐसे बना देगा, पूछेगा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो ऐसे दे देगा माइनस आर सी डी बाई डी टी वी इन आर स्क्वायर सी, ऐसे कुछ करके दे देगा। ये डिफरेंशिएटर, तो आपने इंटीग्रेटर देखा, आपने डिफरेंशिएटर देखा, आपने एडर भी देखा। बात आई समझ में? चिंटू की बेकरारी और बेचैनी थी कि मुझे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे तो लगा था कि चिंटू मास्टर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, मगर चिंटू कभी कहता है सर ओपैम्प पढ़ा दो, कभी कहता है फ्लिप फ्लॉप पढ़ा दो, कभी कहता है कुछ पढ़ा दो। चलिए कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक सवाल दूं, कर पाओगे? आइए ऋषिकेश बोल रहे कम्युनिकेशन भी पढ़ा दो सर, वही बचा हुआ है। आओ देखो, सवाल का जवाब दो फिर उसके बाद बात करो। सवाल है कि वी डी पूछा हुआ सवाल आपको देते हैं एग्जाम में। सवाल यह है, इफ द डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड गेन इन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये जो ओपैम्प है ना इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि V1 और V2 दोनों इनपुट का डिफरेंस जो होता है उससे आउटपुट गवर्न होता है, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, ओपैम्प को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही बोलते हैं। इन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर द कॉमन मोड गेम जो है गेन कितना है 50, और डिफरेंशियल गेन जो है वो कितना है 0.2। कॉमन मोड गेन है 50, डिफरेंशियल गेन है 0.2। फाइंड सी एम आर आर निकालो। ऑप्शन है 10, 49.8, 50.2 या 250। बताइए, सवाल पूछा हुआ एग्जाम में कि कॉमन मोड गेन दे रखा है 50, डिफरेंशियल गेन दे रखा है 0.2, आपको बताना है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर द कॉमन मोड गेन ऑफ ए द डिफरेंशियल गेन है, वैल्यूज मैंने उल्टी कर दी चिंटू, 50 इधर था 0.2 इधर था, ये है ना द डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल कितना है 50 है, डिफरेंशियल गेन 50 है, कॉमन मोड गेन है 0.2, तो सी एम आर आर कितना होगा? ऑप्शन है 10, 49.8, 50.2 और 250। क्वेश्चन चेंज कर दिया, वैल्यूज एक्सचेंज कर दी, दोबारा करो। सी एम आर क्या होता है? सी एम आर आर
डिफरेंशियल गेन बटे कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल गेन 50 बटे कॉमन मोड 0.2, 10 से गुणा कर दो, ये हो गया कितना 250। चिंटू मैंने डेटा गलत दिया था फिर भी तुम्हारा आंसर सही। मतलब मैंने डेटा पहले उल्टा दिया था तो भी आंसर 250 ही आया, अब डेटा बदल दिया तो भी आंसर 250। चिंटू को पता रहता है क्या कि क्वेश्चन गलत लिखा गया है बोर्ड पे? अगला सवाल है, ये करंट है आई आई, ये है आर एफ, ये है जीरो, ये है आर एल, इसमें करंट आ रही आई नॉट, ये है आर, ये माइनस, ये है प्लस। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आई नॉट अपन आई आई, आपको क्या पता करना है आई नॉट अपन आई आई। ऑप्शन जो है आपके वो आर वन आर और आर एल एफ के फॉर्म में है, मीन्स आर एफ आर एल आर, इन्हीं सब के फॉर्म में निकालो, आर एफ आर एल और आर के रूप में आंसर निकालिए। ऑप्शन दे रखा है बट क्या लिखें, आई आई है, आर एफ है, आर एल है, आर, आपको आंसर निकालना है क्या आई नॉट अपन आई आई। आई आई ये करंट है, आई नॉट ये करंट है, आंसर आर आर एल और आर एफ के रूप में देना है। बताओ इसका आंसर, बिजली की रफ्तार से कैलकुलेट करके आंसर बताओ, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाओ, एग्जाम 15 दिन बाद है, अब कब मेहनत करोगे? तुम्हारा जन्म इसीलिए ही तो हुआ है चिंटू, तुम इंजीनियर हो, एग्जाम के एक दिन पहले सारी किताब रट जाते हो, रात के 12 बजे स्टार्ट करते हो और 6 बजे पेपर, 6 बजे सुबह, 7 बजे तक, 8 बजे तक पूरा सिलेबस खत्म कर देते हो। अब 15 दिन का टाइम है, 14-15 सब्जेक्ट पढ़ने, टेक नॉन टेक मिला करके अपने आप का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दो और बताओ इस सवाल का सही जवाब। तुम ही तुम हो, तुम ही बाहुबली हो, तुम ही शक्तिमान हो चिंटू, आंसर बताओ इस सवाल का। 250 आया है किरण का और बाकी लोगों का। ऋषिकेश, अरे देवरिया की नाक मत कटवाओ, ऋषिकेश सही आंसर दो। ऋषिकेश हमारे साथ देवरिया से हैं, रात की 11:28 पर पूरा देवरिया सो रहा है लेकिन ऋषिकेश कह रहे हैं जिंदाबाद, आंसर बताओ। मुझे आंसर बताओ आर एफ आर एल और आर के टर्म में, आई नॉट बटे आई आई। पी मंडल का कहना है सर चिंटू अब बूढ़ा हो गया है, बताओ।
देखो एक आध दो लोगों ने आंसर दिया है, देखो कैसे करेंगे। सी, ज्यादा लंबा नहीं है ये करंट, आई आई आएगी इधर तो अंदर तो नहीं जाएगी, अंदर जाएगी क्या, कहाँ जाएगी, यहां तक ऐसे तो आएगी, इसको इस पॉइंट का वोल्टेज मान लो वी नॉट, इस नोड पे केसीएल लगा दो, तो ये जो करंट आएगी ऐसे 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 कुछ इधर जाएगी आई नॉट और कुछ इधर जाएगी, क्लियर है। इधर तो अंदर तो नहीं जा सकती है क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, कुछ इधर इस नोड पे केसीएल लगाओ तो आई आई किसके बराबर होगा, आने वाली करंट आई आई बराबर होगी आई नॉट प्लस दिस करंट, और ये करंट क्या होगी, ये वी नॉट है जीरो है तो वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, वी नॉट माइनस जीरो, तो करंट कितनी होगी, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो वी नॉट माइनस जीरो बटे आर, इसकी करंट, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आई नॉट अपन आई आई, ठीक है, यानी आई नॉट का टर्म हमें एक ब्रैकेट में चाहिए और एक ब्रैकेट में हमें आई आई का टर्म चाहिए, ठीक है, तभी हम दोनों को कॉमन लेकर के कर पाएंगे। अब यहां से अगर आप देखो तो आई नॉट को आप लिख सकते हो आई आई माइनस वी नॉट बटे आर, आई आई माइनस दिस, आई नॉट क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो आई नॉट हो जाएगा आई आई माइनस वी नॉट बटे आर, अब आई नॉट हो जाएगा आपका आई आई माइनस वी नॉट, कितना होगा, वी नॉट कोई बताएगा मुझे कितना होगा, देखो ये आई आई करंट ऐसे जा रही है, करंट अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर एफ, करंट है आई आई, तो इसका जो वोल्टेज डिफरेंस हुआ कितना होगा, करंट आई आई इंटू रेजिस्टेंस आर एफ, तो करंट आई आई इंटू रेजिस्टेंस आर एफ, देखो ये वोल्टेज वी नॉट, ये वी नॉट, ये जीरो है भाई, ये जीरो है, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो है ना, जीरो जीरो जीरो, तो ये जीरो है तो, और ये वी नॉट है, वी नॉट, तो इसके इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो माइनस वी नॉट, जीरो माइनस वी नॉट बराबर दिस करंट इंटू आर एफ, तो इसके इसके बीच का वोल्टेज कैसे लिखोगे आप, देखो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो जीरो माइनस वी नॉट, ये वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, दिस अब आ गई आवाज, मुझे क्या पता कब आवाज चली जाती है, मैं तो अपनी धुन में लिखता और समझाता रहता हूं,
ये मशीन है, धोखा दे देती है, मेरी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती है, ये मशीन है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, धोखा दे देती है, मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, कहो तो रात के 3 बजे तक पढ़ाता रहूं, लेकिन ये संख्या जो 101 है 20 पे पहुंच जाएगी। आते हैं, कुछ मिसिंग है लोग बता रहे हैं, देखो इधर मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं बताना चलूं, शायद आवाज नहीं आ रही थी, मैं ये कहना चाह रहा था देखो कि यहां तक तो आ गया था समझ में आपको, ये वोल्टेज जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो तो जीरो जीरो, और ये वी नॉट है तो वी नॉट, ये जीरो है ये वी नॉट है, करंट ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसके इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, बहने वाली करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, हाई माइनस लो, करंट ऐसे माना है इसका मतलब हाई होगा ये लो होगा, तभी करंट ऐसे जा रही है हाई से लो की तरफ, तो दिस माइनस दिस जीरो माइनस वी नॉट, ये इसका वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, क्या होगा, बहने वाली करंट आई आई इंटू रेजिस्टेंस आर एफ, तो वी नॉट कितना हो गया, ये इस वी नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, माइनस माइनस अंदर गया प्लस, आई 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 को कॉमन ले लो तो 1 + RF, तो आई नॉट अपन आई आई क्या होगा, कुछ मिसिंग है क्या, आई नॉट आई आई अच्छा आर मिसिंग है, ओके वी नॉट की वैल्यू तो आई आई आर एफ ले लिया, आर मिसिंग है यहां पे, ठीक है यहां आर गायब है, आर गायब है चिंटू, तो करना क्या है मुझको, आई नॉट प्लस हो गया आई आई प्लस आई आई आर एफ अपान आर, आई आई को कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, तो 1 + RF बटे आर, तो यहां से I नॉट बटे आई आई बराबर 1 + RF बटे आर, क्लियर है, क्लियर है या नहीं, सोनू कर नहीं सर हम तो सुबह तक साथ दे देंगे, अरे मेरी सुबह 6 बजे प्लस पे क्लास है ही, तो फिर 3 बजे क्या 4 बजे तक क्लास लेंगे, फिर 4 से 5 नहा धो करके खा पी करके फिर तैयार हो जाएंगे 6 बजे तक, 6 बजे से क्लास के लिए, लेकिन तुम्हारा क्या होगा कालिया, मेरे पास तो ऐसा चूरन रखा हुआ है कि एक एक चम्मच चूरन लूंगा तो एनर्जी से भर जाऊंगा, सब्सट्रैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अभी लास्ट में करा दूंगा, सब्सट्रैक्टर इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, अरे आपका डेटा बचेगा तब तो 3 बजे तक, चलिए अगला सवाल देते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा,
fan of amp is used in the circuit as shown in the above figure. Current I naught is, करंट आई नॉट बतानी सो पैंप में, ये आर एस है, आर एल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वी एस है, ये वी एस है, प्लस है, माइनस है, आर एल आर एस। आई नॉट क्या है? आई नॉट इस ब्रांच में ऐसे करंट दे रखा है, ये आई नॉट दे रखा है। आई नॉट क्या होगा आपको बताना है, आई नॉट बताना है आपको वी एस के टर्म में, आर एल के टर्म में, आर एस मीन्स आर एस, आर एल और वी एस, इन तीनों के टर्म में आई नॉट बता दीजिए। वी एस, आर एल, आर एस के टर्म में आई नॉट बताइए, ऑप्शन दे रखा है लेकिन ऑप्शन लिखूंगा नहीं मैं। सोनू का कहना है आज कोई भी भागेगा नहीं, अगर 50 से कम होंगे सर तो क्लास बंद। वी एस, आर एल, आर एस के टर्म में आई नॉट निकालो, बहुत बेसिक, बहुत छोटा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, निकालो आई नॉट। बताओ, अरे बताओ, 204 पहुंच गया, बहुत सही, हर्ष ने आंसर दिया है, शानदार शानदार और जानदार हर्ष। अरे देखो क्या निकालना है, अब बहुत ध्यान से नजर गड़ा के इधर देखो, वी एस, आर एल, आर एस के रूप में निकालना था, आई नॉट चार ऑप्शन थे। ये आई नॉट जो करंट आएगी क्या इधर जा सकती है क्या, ये आई नॉट जो करंट दे रखा है क्या इधर जा सकती है? नहीं सर, क्यों? इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट तो अंदर घुस ही नहीं सकती, तो अंदर कहां जाएगी? ये करंट इधर तो नहीं जा सकती, यानी जो आई नॉट इसमें आ रही वही करंट इसमें आएगी, यानी इसमें भी करंट कितनी है आई नॉट, सेम वही करंट ऐसे चली आ रही है, इधर नहीं जा सकती, राइट? आपने पढ़ा है कि इसका जो वोल्टेज होगा या इसका जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका होगा, जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, और इसका वोल्टेज दे रखा है वी एस, इसका वी एस है, इसका मतलब इसका भी वी एस होगा। भाई आपने क्या पढ़ा, जो इसका होगा वोल्टेज वही इसका होगा, और इसका वी एस दे रखा है तो इसका भी वी एस होगा। अब ये वी एस तो वी एस वी एस वी एस वी एस वी एस, इसका वोल्टेज भी वी एस। अब इसका वोल्टेज वी एस, इसका वोल्टेज जीरो, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया वी एस माइनस जीरो, इसका वोल्टेज वी एस, इसका वोल्टेज जीरो, वोल्टेज डिफरेंस वी एस माइनस जीरो, रेजिस्टेंस आर एस, करंट कितनी हो जाएगी आई नॉट, बहने वाली करंट आई नॉट बराबर वोल्टेज डिफरेंस वी नॉट वी एस माइनस जीरो, वोल्टेज डिफरेंस वी एस माइनस जीरो बट इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आर एस, यही तो होगा उत्तर वी एस बटे आर एस। ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स है इसमें? अगर आप इलेक्ट्रिकल के छक सब्जेक्ट की छक्के छुड़ा सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो छुड़ा ही दोगे आप, मगर थोड़ी बहुत मोहब्बत इसके साथ भी करनी पड़ेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट सर्किट आपका है सब्सट्रैक्टर। आपने एडर का सर्किट देख लिया है, आपने इंटीग्रेटर का सर्किट देख लिया है, आपने डिफरेंशिएटर का सर्किट देख लिया है। अब आइए हम सर्किट देखते हैं सब्सट्रैक्टर का, सब्सट्रैक्टर का, ठीक है। सब्सट्रैक्टर, सब्सट्रैक्टर वैसे एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट फिर भी यह है सर्किट सब्सट्रैक्टर का, ठीक है। और कुछ वैल्यूज होंगी इसकी, मान लीजिए इसको आर एफ मान लो, इसको आर वन आर टू आर थ्री मान लो, कुछ भी मान लो। वी वन वी टू, इसको मैंने मान लिया चलिए आर एफ, इसको मान लिया आर वन, इसको मान लिया आर टू, इसको मान लिया आर थ्री। ऐसे मान सकते हो आप कि जो फीडबैक वाला रेजिस्टेंस है उसको आर एफ मान लिया, नीचे वाले को आर वन मान लिया, और उसके नीचे वाले को आर टू मान लिया, और इसके नीचे वाले को आर थ्री मान लिया, ठीक है। बट इसमें जो कॉमन सर्किट है आपका वो ये है कि जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे ये है नॉर्मली, इसको हम आर वन मानते हैं तो इसको भी आर वन, ये भी आर वन रहता है, और इसको हम आर टू लेते हैं तो ये भी आर टू रहता है। नॉर्मली ये है ऐसे, आर वन है तो भी आर वन, या भी आर टू है तो भी आर टू। अब ये सब्सट्रैक्टर का सर्किट है कि जो लेफ्ट साइड के दोनों रजिस्टर है क्या है, सेम, और आर टू ऊपर वाला है, नीचे वाला भी आर टू है, और इनपुट आपके पास क्या है, वी वन और वी टू। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो आपका होगा वी आउटपुट, ये होगा आपका आर टू बटे आर वन ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन, ये होता है इसका एक्सप्रेशन। आर वन ये है, आर टू ये है, तो आर टू बटे आर वन मीन्स फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। देखो बाकी रेजिस्टेंस को मारो गोली, दिस फीडबैक आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक दिया गया है ना। अरे आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक, फीडबैक डिवाइड बाय दिस आर टू अपन आर वन, दिस डिवाइड बाय दिस इन टू, ये प्लस के साथ है माइनस वाला है, तो वी टू माइनस वी वन, वी नॉट हो जाएगा आर टू अपन आर वन, वी टू माइनस वी वन, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मैं सिद्धते गम से आजिज आकर, मैं सिद्धते गम से आजित आक आजित आजी जाकर हंसने लगूं तो पूछो मत। ये लिख के भेजा है किसने, ये लिख के भेजा है करण ने, तो समझ में आया। आर टू बटे आर वन ब्रेकेट में वी टू माइनस वी वन। अब इस पे सवाल बनेगा तो कर ले जाओगे या नहीं कर पाओगे, अरे इस पे सवाल पूछा जाएगा तो नहीं कर ले जाओगे। चलो सवाल कराते हैं एक, देखो हमने इसको दे दिया 3 वोल्ट, इसको बोल दिया 4 वोल्ट, इसको दे दिया 5 ओम, इसको दे दिया 2 ओम, इसको भी दे दिया 2 ओम, क्या इसकी ज़रूरत नहीं, 5 ओम, ऐसे तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज। आर टू अपन आर वन मीन्स फीडबैक अपन दिस, सीधे आंख बंद करके कौन क्या नाम है पता नहीं, दिस अपन दिस, 5 अपन 2 5 अपन 2, वी टू माइनस वी वन 4 माइनस 3,
5 बाई 2 इंटू 1 दैट इज 2.5। इसका नाम डिफरेंशिएटर इसलिए सब्सट्रैक्टर रखा गया है, क्यों? क्योंकि v2 माइनस v1 के रूप में इसका आउटपुट मिल रहा है, v2 माइनस v1 के रूप में इसका आउटपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्टर। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए। अगर किसी को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप आरके 11 कोर्स से लोगे। अगर आप मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो, साथ साथ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। यही टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे आरके 11। उसके अलावा आप अगर जाके मेरी प्रोफाइल पे मुझे मैसेज वगैरह करना चाहते हो तो अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड करके सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730 तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। आप वहां जाकर के सर्च करेंगे राजकुमार सिंह 730 बिना किसी स्पेस के तो मेरी प्रोफाइल आएगी। वहां मैसेज करने का एक ऑप्शन होता है, तो वहां जाके आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे, या फॉलो कर सकते हो, या स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। बाकी इस वक्त जो बैचेस चल रहे हैं वो बैचेस जितने भी एग्जाम हैं जेई के सबके लिए यूजफुल होगा। कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जो आप देख पाओगे, कुछ लाइव। बाकी आप मान लीजिए एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस टाइम पीरियड तक, एक साल तक जितने भी बैचेज स्टार्ट होंगे हर बैच की वीडियो को आप देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि सर बस ये बैच तो खत्म हो गया तो अब क्या करें, अरे अगला बैच मान लो एक महीने बाद आएगा तो उस बैच की वीडियो भी आप लाइव देख सकते हो। एक साल तक आप हर बैच के लिए आजाद हो, राइट। और किसी को कुछ कहना है तो ये सर्किट है सब्सट्रैक्टर का। तो सर्किट जो सब बनाया गया था उस सर्किट के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चन मैंने आपको कराए कि बस केवीएल कॉन्सेप्ट लगा करके, या ओपैम की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, कि सीएमआर क्या होता है, स्लू रेशियो क्या होता है, या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको कराई गई। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो आ सकता है, तो आप कर ले जाओगे। बोलो करण, पवन, ऋषिकेश, पंकज, यूटिलाइजेशन पहले ही करवा दिया है, पहले ही यूटिलाइजेशन करवा दिया है। एक वीडियो में यूटिलाइजेशन करवाया है, देखो तो उसको, फुर्सत निकालो, ढूंढो, सर्च करो यूडब्ल्यू बाई राजकुमार सर, तो मैं दिखूंगा फिर। तू है मेरी वाइंडिंग, मैं तेरी कोर हूं, तू मेरे दिल को चुराने वाली चोर हूं। कौन है ये? कहता था लेकर कनेक्शन बगल वाले पोल से, अब तो शॉर्ट सर्किट की आदत से मजबूर हूं। चेंटो, लक्ष्मण बोल रहे हैं एक्सेलेंट सर, परमार का गाना मजा आ गया, टेक का गाना यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच गाइज। करण बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं सर आप, बहुत मन लगता है पढ़ने में, तुम्हारा पढ़ने में मन लगे इसलिए डबल एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ता है, सो सो करके पढ़ाएं डल डल तो आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए डबल एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपका इंटरेक्शन क्लास में बना रहे, क्योंकि जितनी एनर्जी मेरी बॉडी लैंग्वेज से निकलेगी उतनी एनर्जेटिक आप महसूस करोगे। खुशी, और 11:54 हो गया है, और किसी को कुछ कहना है? करण बाबू, करण, अंकित, पंकज, मासूम, अरबी, खुशी, करण का गाना जेई बनने के बाद आपसे मिलने आऊंगा। तो एग्जाम आप लोगों का बिल्कुल करीब है, पहले एसएससी जेई का होगा, फिर होली की छुट्टी पड़ेगी, फिर यूपीपीएससी जेई का होगा, तो इस 10-12 दिन में बिल्कुल फोर्स जितना लगा सकते हो लगा देना,
ठीक है, तो जिन लोगों ने तैयारी की है लंबे समय से, अच्छे से सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर रखा है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। बाकी जो लोग अभी बिगिनर्स हैं, 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, एक आध दो सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो लोग भी पेपर देना चाहते हैं तो दीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखोगे ही आप। बाकी लेकिन जो लोग रिपीटर्स हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग और थोड़ा सा अपना फोर्स पूरा लगाएं, कि ऐसा ना हो कि 2-4 नंबरों से जब आप दूर रह जाते हो तो बहुत कष्ट होता है, 2-4 नंबर साल साल भर का इंतजार करा देता है। सो गिव योर बेस्ट। बाकी एग्ज़ाम आपके पास SSC JEE का है, UPPCL JEE का है, फिर Rajasthan JEE का है, लखनऊ मेट्रो का, कितने सारे एग्ज़ाम। हाँ विनय कुमार, प्लस में रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेगा, जितनी क्लासेज हो चुकी हैं पहले वो भी मिलेंगे आपको, और जो लाइव होंगी या लाइव चल रही हैं वो भी मिलेंगी। हाँ टेक एलिजिबल तो नहीं है Rajasthan JEE में, एग्ज़ाम का भूचाल आ गया है, लगातार लगातार एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम। जिसकी अच्छी तैयारी है उसका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन का। UPPCL JEE फेल हुआ तो SSC JEE फेल हुआ तो Rajasthan JEE फेल हुआ तो लखनऊ मेट्रो, कहीं ना कहीं तो निशाना लगाओ। 4 एग्ज़ाम में से 4 ऑप्शन है, एक टिक कर दो सही कोई। तो चलिए आज की कहानी को फिर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल रात के 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड कोड के साथ, IAS कोड, जो आपकी दुखती हुई रग है, जो कई दिनों से आप चिल्ला रहे थे। तो कल फिर हम मिलेंगे रात के 10 बजे इसी ऊर्जा और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। ख्याल रखिए, एग्ज़ाम के तनाव से दूर रहिए, हल्का भोजन करिए, थोड़ा सा व्यायाम करिए, पानी पीजिए, गाने सुनिए, एग्ज़ाम के टेंशन को जला के फेंक दो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे कौन सी कई हजार सालों की लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है, पढ़ो लिखो ऐस करो, हो जाए नौकरी तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, ठीक है, रिलैक्स रहो और मेहनत करते रहो।